और इन सब के बीच हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञान वापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुट गई है। प्रयागराज में तैयारी की जा रही है मस्जिद कमेटी की अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल किए जाने की तैयारी है। मस्जिद कमेटी की याचिका में वाराणसी के जिला जज के कल के आदेश को चैलेंज किया जाएगा, चुनौती दी जाएगी। अर्जी को चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर अर्जेंट बेसिस पर इस फैसले पर फौरन सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया जाएगा। याचिका दाखिल होने पर कोर्ट के अर्जेंसी के अनुरोध को मंजूर किया गया तो आज ही इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। थोड़ी देर में हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल किया जाएगा। कैविएट दाखिल कर अदालत से इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाए, उनका पक्ष भी सुना जाए और उनका पक्ष सुने बिना एक तरफा आदेश ना पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये कैविएट दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ज्ञान वापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी नामंजूर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञान वापी कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है। अर्जी में वाराणसी जिला जज के कल के आदेश को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक रोक लगाए जाने का अनुरोध किया जाएगा। जिला जज के आदेश के बाद व्याजी तहखाने में आज सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आधी रात को पूजा अर्चना हुई है। सर्वेश दुबे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब चैलेंज करने की तैयारी की जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि झटका दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, तो क्या आज ही याचिका दाखिल की जा सकती है मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में? देखिए, निश्चित तौर पर अभी याचिका दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय है मुस्लिम पक्ष के पास, लेकिन मुस्लिम पक्ष जितनी जल्दी में है कि वो देर रात को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। वहां पर मुस्लिम पक्ष ने वहां पर चुनौती दी थी और उसके बाद वहां पर सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि वही उचित बेंच है, वही उचित फोरम है जहां पर वो अपनी बात को रख सकते हैं। तो अब जो मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद निजामिया कमेटी के अधिवक्ता है वो तैयारी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आज ही जो है वो जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस के समक्ष मेंशन कर उसकी जल्द सुनवाई किए जाने और वाराणसी के जिला जज के आदेश को रद्द किए जाने की मांग की जाएगी ताकि वहां पर पूजा पाठ जो शुरू हो गया है वो न हो सके और इसके साथ जब तक इस पूरे मामले में अंतिम फैसला ना आए तब तक के लिए रोक लगाए जाने की भी मांग कर सकते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं वो इस मामले में कैबिनेट दाखिल करने की तैयारी में है। आज कैबिनेट भी दाखिल हो जाएगी। कैबिनेट का मतलब यह होता है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट कोई फैसला नहीं देगी, एक तरफा एक पार्टी नहीं होगा, हिंदू पक्ष को भी सुना जाए। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। अब आज का दिन जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में गहमा गहमी वाला हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष एक ओर जहां पर वाराणसी के जिला जज के उस फैसले को चुनौती देगा, वहीं हिंदू पक्ष की ओर से कैबिनेट दाखिल कर इस मामले में ये कहा जाएगा कि उनके पक्ष को भी सुना जाए। अब देखना यह है कि कब तक ये चुनौती याचिका जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल होती है और उस पर मेंशन करने के बाद कोर्ट इस मामले में सुनवाई कब करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 93 तक वहां पर पूजा अर्चना होती आई है और 3 दशक के बाद वहां पर वाराणसी के जिला जज के आदेश के बाद उस ऑर्डर के कंप्लायंस में वाराणसी जिला प्रशासन ने देर रात तैयारी की, वहां पर बैरिकेडिंग की और पूजा अर्चना शुरू कर दी। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए सर्वेश। और इन सब के बीच वाराणसी के संतों और आम लोगों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। लोग व्याजी तहखाना में पूजा करने के जायजे से काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, सर, स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई, भोग लग गया, आरती हो गई, शुद्धिकरण हो गया, मंत्रोच्चारण गूंज रहे हैं तो वेद ऋचाएं गूंज रही है। इस वक्त मैं विश्वनाथ मंदिर के सामने चाय और बनारसी कचौड़ी की दुकान पर हूँ। यहाँ पर मौजूद लोग क्या सोचते हैं ये हम बात करते हैं। कुछ आचार्य ब्राह्मण चाय पी रहे हैं, उनसे हम पूछना शुरू करते हैं। गुरु जी, ये क्या नाम है आपका? चीनी पड़ी है। मेरा नाम मनोज दुबे है। जय विश्वनाथ जी। गुरु जी, पूजा पाठ शुरू हो गई, दिल क्या कह रहा है, क्या आपके भाव है इस वक्त? बाबा विश्वनाथ की कृपा से पूजा शुरू हो गई है,
और भाव क्या कहेंगे हमारे, तो काशी के कण कण में भगवान विश्वनाथ बसते हैं। यही कहूँगा, मंदिर वही बनेगा विश्वनाथ का, हो गया अत्याचार तो फिर कौन काम का। तो हमारे काशी के कण कण में शिव विराजमान हैं विश्वनाथ जी। क्या सोचते हैं जिस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं अनूप जायसवाल, वाराणसी का नागरिक हूँ। और हम जहाँ तक ये समझते हैं कि ये राम जी के कृपा से हो रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम हमें रामलला का दर्शन होता है, प्रतिमा की स्थापना होती है, और राम, भगवान राम का एक नाम रामेश्वर भी है। शिव कहते हैं राम ही ईश्वर हैं, और राम जी कहते हैं राम के ईश्वर जो हैं वो हैं रामेश्वर। तो ये एक शुभ संकेत है भारतवर्ष के लिए, जिसके कारण ये तुरंत निर्णय आया। हम सभी काशीवासी नहीं, सनातन धर्म को मानने वाले जहाँ भी हों, देश विदेश में, सभी में ये प्रसन्नता है अपने आप में। तो अब तो फूल भी चढ़ गए गुरुजी, अब तो शुद्धिकरण भी हो गया, वेद ऋचाएं भी गूंज रही है, क्या भाव है इस वक्त मंदिर? क्या नाम है आपका? बहुत ही हर्ष का विषय है। और काशी में सभी जितने भी अपने भक्तगण आते हैं और समस्त सनातनियों को बड़ा हर्ष का विषय है कि ये बाबा का पूजन शुरू हो गया है। जी जी सर, तो कुछ मंत्र या कुछ टपाई सुनाएंगे या गुरुजी सुनाए कुछ बाबा के लिए? कुछ बस बाबा का है, सानंद मानंद वने वसंतम आनंद गंधम हृत पापरिंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बहुत प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्न है मन जो है यहाँ पर, ऐसा यह देख करके कि ऐसा समाचार हुआ, और हम इसके साक्षी हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि हम इसके साक्षी हैं, इस युग में हम हैं, हमारा जन्म हुआ है, सबसे बड़ी प्रसन्नता है। क्योंकि काशी के बारे में कहा गया है, कीटा पतंगा मस्काश वृक्षा जले स्थले ये विचरन्ति जीवा, मंडूक मत्स्या कृमियोपि काश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिवम आप्नुवन्ति। अब ज्ञानवापी में वहाँ पूजा शुरू हो गई मस्जिद के नीचे तहखाने में, कितना बड़ी खुशी का दिन है? बहुत खुशी लग रहा है अपने आप में, बहुत खुशी लग रहा है। फिर नेक्स्ट बार पूजा होगा तो फिर कभी आएंगे तो फिर। अब ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई है आज से 31 साल बाद, पहली जीत मंदिर पक्ष को मिल गई है, मस्जिद के नीचे पूजा शुरू होने लगी है, कथित मस्जिद के नीचे, कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? बहुत खुशी का दिन है। मन क्या कह रहा है, क्या सुनाएंगे शिव के लिए? हर हर महादेव। तो ये कभी सोचा था कि आप लोग कभी इस पीढ़ी में देख पाएंगे इस देख पर? कभी नहीं सोचा था हम लोग देख पाएंगे सर, लेकिन अब देख पा रहे हैं हम लोग, सब कुछ देख पा रहे हैं, अब हो रहा है, देख पाएगा कृपा अभी छाया हुआ है सब जगह। आपको भी ऐसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि आज हम ही लोग आए हैं और हम ही लोग स्टार्ट किए हैं, मतलब पूजा।